आज मैं आपके लिए एक कठिन पहेली लेकर आया हूँ। इलॉन मस्क जॉब के लिए इंटरव्यू में लोगों से यही सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। मैं अर्थ के सरफेस पर कहीं हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से मैं एक मील साउथ, फिर एक मील वेस्ट और फिर एक मील नॉर्थ में चलता हूँ और मैं ठीक वहीं पहुँच जाता हूँ जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। मैं कहाँ पर हूँ? बस इतना ही, इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है। क्या आपको इलॉन मस्क हायर करेंगे? अगर आपको सोचने के लिए और टाइम चाहिए तो आप वीडियो रोक सकते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि इसके कई जवाब हो सकते हैं। इनमें से एक यह है कि आप नॉर्थ पोल पर हैं। आइए इसकी ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ पोल से आप एक मील साउथ, फिर एक मील वेस्ट और उसके बाद एक मील नॉर्थ की ओर चलते हैं। देखिए, ये आपको वहीं ले आता है जहां पर आप थे, यानी कि नॉर्थ पोल पर। यह तरीका साउथ पोल के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि वहां से आप और साउथ में नहीं जा सकते। लेकिन साउथ पोल के करीब सर्कल बनाना कैसा रहेगा जिसका सर्कमफ्रेंस ठीक एक मील का हो? अब उस सर्कल से ऊपर की तरफ चलते हैं, एक मील नॉर्थ की तरफ। तो ठीक है, हम दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस स्पॉट से हम एक मील साउथ की ओर जाते हैं, हम सर्कल पर पहुँचते हैं। फिर जब हम पूरे सर्कल पर चलते हुए एक मील वेस्ट की ओर जाते हैं तो हम सर्कल के उसी स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम फिर एक मील नॉर्थ की ओर चलते हैं और ठीक उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। यह और भी बेहतर हो सकता है। चलिए साउथ पोल के पास एक और सर्कल बनाएं जो आधा मील लंबा हो। एक बार फिर आप इसके एक मील नॉर्थ से शुरू करिए। आप साउथ की ओर एक मील चलते हैं, सर्कल पर पहुंचते हैं, एक मील वेस्ट की ओर जाते हैं। आप फिर वहीं पहुंचेंगे जहां से आपने चलना शुरू किया था। लेकिन आपको पूरा एक मील करने के लिए इस बार सर्कल के दो चक्कर लगाने होंगे। ठीक यही तरीका मील के तिहाई हिस्से के बराबर सर्कल में भी काम करता है। इस बार आपको सर्कल पर तीन बार चलना होगा। यह सर्कल की किसी भी दूसरी लंबाई के साथ भी काम करेगा जब तक कि यह 1/n मील लंबा हो, जहां n एक पूरा नंबर है। इस तरह एक मील साउथ चलने के बाद आप सर्कल पर पहुंचेंगे, इसके चारों ओर n बार घूमेंगे और फिर एक मील नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे। हर बार आप वहीं वापस आएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो क्या आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया? अगर नहीं तो चिंता मत करिए, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मेरे पास कुछ और पहेलियां भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बंदर, एक गिलहरी और एक छिपकली एक नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए रेस लगाने वाले हैं। बताइए केलों तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा? इनमें से कोई भी नहीं, वे नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, वहां पर केले नहीं हैं। लिया, डेनी, केली और रिया एक दूसरे के पीछे इस तरह से खड़े हैं कि लिया डेनी और केली को देख सकती है, डेनी केली को देख सकती है, लेकिन केली और रिया किसी को नहीं देख सकती। वे सब हैट पहने हुए हैं। लड़कियां सिर्फ इतना जानती हैं कि दो ब्लैक हैट हैं और दो व्हाइट हैट हैं। उनमें से कोई भी अपने हैट का कलर चिल्लाकर बता सकती है। अगर यह सही है तो वे सभी जीतेंगी। उसके हैट का कलर कौन सबसे पहले पता लगाएगा? लिया डेनी और केली को देख सकती है। अगर उन दोनों के पास एक ही कलर का हैट होता तो वह पक्के तौर पर जान जाती कि उसका हैट अलग कलर का है, लेकिन वे तो व्हाइट और ब्लैक हैं, इसलिए वह अपने हैट के कलर को लेकर श्योर नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वह चुप रहेगी। डेनी समझ जाएगी कि क्योंकि लिया चुप है इसलिए उसके और केली के हैट का अलग अलग कलर है। अब वो देख सकती है कि केली का हैट ब्लैक है तो वह समझ जाएगी कि उसका हैट व्हाइट होना चाहिए। कियाना छुट्टियों में घूमने गई थी और उसने खुद को थोड़ा तरोताजा करने के लिए लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को पैदल जाने का फैसला किया। उसके पास केवल एक बैकपैक और कुछ पैसे थे। आधे रास्ते में वह तीन अन्य ट्रैवलर्स से मिली जो उसकी ही ओर चले आ रहे थे। उन सभी के पास पालतू जानवर थे, एक बिल्ली, एक कुत्ता और एक गिनी पिग। बताइए कितने क्रीचर्स सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे? सिर्फ एक, कियाना। बाकी ट्रैवलर्स और उनके पालतू तो सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। ओकली एक गेम शो में हिस्सा ले रही थी। अगर उसने आखिरी सवाल का सही जवाब दिया तो उसे बड़ी रकम मिलेगी। बस के इस पिक्चर को देखें, जो न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच सड़क पर कहीं खींची गई है। सवाल है,
बस किस सिटी की ओर जा रही है? ऐसा लगता है कि पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यह पता लगाने में मदद कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कोई दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये है कि दरवाजा बस की दूसरी साइड में है, और चूंकि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं और वहाँ पर बस के दरवाजे हमेशा राइट साइड की ओर होते हैं, इसलिए इस बस की बाईं तरफ हमारे सामने होने चाहिए। इसका मतलब है कि बस बॉस्टन जा रही है। एस्मे जंगल में टहल रही थी और खो गई। उसने अपने घर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह एक डायन के घर में पहुंच गई। उसे वहां एक बिल्ली दिखी। उसने उसे सहलाया और डायन को कहा कि वह उसे घर तक पहुंचा दे। डायन साफ सफाई में बिजी थी और उसके पास एस्मे के लिए एक पहेली थी। एक चेन के 5 हिस्से थे और उनमें से हर एक में 3 लिंक्स थे। डायन को चेन पूरी बनाने के लिए कम से कम कितने लिंक खोजने चाहिए? अगर आप चेन के सभी हिस्सों को एक दूसरे से अटैच करने की कोशिश करते हैं तो आपको 4 लिंक्स की जरूरत होगी, लेकिन एक तरीका है जिसमें बस 3 लिंक का इस्तेमाल करके टास्क पूरा किया जा सकता है। एक पार्ट लें और उसके लिंक खोलें, फिर चेन के बाकी 4 पार्ट्स को जोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करें। बहुत समय पहले एक देश में एक राजा था जो हर शुक्रवार को एक अजीब कानून बनाता था। उसका नया कानून यह था कि उसके देश के सभी लोगों को अपनी दाढ़ी शेव करवानी पड़ेगी। ऐसा न करने पर उसे देश से निकाल दिया जाएगा। उस देश में केवल एक हेयर ड्रेसर था। हर कोई उसके पास गया, लेकिन उस हेयर ड्रेसर को किसी के पास जाना नहीं पड़ा। फिर भी हर कोई रूल को फॉलो करने में कामयाब रहा और किसी को भी देश से निकाला नहीं गया। यह कैसे हो सकता है? हेयर ड्रेसर एक महिला थी। उसे अपनी दाढ़ी शेव करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। नया हफ्ता, एक नया कानून। इस बार राजा अच्छे मूड में था, इसलिए उसने घोषणा की कि आज मैं हमारी जेल के बंदियों को पार्शली माफ करता हूँ। उन्हें अपनी आधी सजा ही काटनी होगी। लेकिन वहाँ 3 कैदी ऐसे थे जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब ये कैसे श्योर किया जाए कि वे अपनी आधी सजा ही काट सके? उन्हें हर दूसरे दिन रिलीज किया जाना चाहिए। इस तरह वह एक दिन जेल में बिताएंगे, अगले दिन आजादी में, फिर वे वापस चले जाएंगे और इस तरह उम्र भर चलता रहेगा। इस तरह आधे समय वे फ्री रहेंगे। युवोन के पास 3 बॉक्स थे जिनमें मार्कर थे, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक पर्पल। पर्पल बॉक्स में ब्लू कलर के मुकाबले 2 गुने ज्यादा मार्कर थे। एक दिन योन ने लेफ्ट वाले बॉक्स से 9 मार्कर फेंक दिए। बाकी मार्कर्स में से आधे को ग्रीन कलर के बॉक्स में डाल दिया। क्या आप लेफ्ट वाले बॉक्स का कलर बता सकते हैं? क्योंकि योन ने मार्कर को ग्रीन कलर के बॉक्स में रखा है, यह ग्रीन तो नहीं हो सकता। अगर पर्पल बॉक्स में ब्लू कलर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा मार्कर्स थे तो अंदर के मार्कर्स का नंबर इवन या सम संख्या में होना चाहिए। अगर उसने पर्पल बॉक्स में से 9 मार्कर निकाल दिए तो बाकी मार्कर अनइवन या विषम संख्या में होंगे और इवोन उनमें से आधे को ग्रीन बॉक्स में नहीं डाल सकती। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट वाला बॉक्स ब्लू था। खाई अपने बॉयफ्रेंड रोनन के घर पर 7 शाम बिता रही थी। वे पॉपकॉर्न खा रहे थे और बैकग्राउंड में फिल्म चल रही थी। अचानक खाई ने रोनन से एक पहेली पूछी। मैं बेट लगाती हूँ कि इस कमरे में एक जगह ऐसी है जहाँ मैं बैठ सकती हूँ और फिर भले ही मैं वहाँ से उठ जाऊँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाओगे। रोनन ने बहुत दिमाग लगाया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। तब खाई ने उसे दिखाया कि पहेली का असली जवाब क्या है। वह कहाँ बैठी? खाई उठकर रोनन की गोद में बैठ गई। एक बूढ़ी महिला की नजर थोड़ी कमजोर थी और उसे मदद की जरूरत थी। वह अपनी पोती कैसी के साथ रह रही थी। एक शाम कैसी डिनर बना रही थी, तभी उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। वह कमरे की तरफ भागी और पूछा कि क्या हुआ था। खिड़की टूट गई थी। उसकी दादी ने उसे बताया कि किसी काली आंखों वाले, काले बालों वाले लड़के ने खिड़की पर एक पत्थर फेंका और फिर भाग गया। कैसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? द
दादी की नजर खराब थी, लेकिन अब उन्होंने अपना चश्मा भी नहीं पहना है, इसलिए वह न तो लड़के को देख सकती थी और न ही उसके बालों और आंखों का रंग। एस्मे जंगल में जा रही थी और आपको बताया क्या हुआ, वह फिर से खो गई। हमेशा की तरह उसे डायन का घर मिला और उसने उसे अपने घर तक ले जाने के लिए कहा। डायन ने अभी अभी एक नए गेम की खोज की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसका कोई पार्टनर नहीं था। डायन ने कहा कि अगर एस्मे जीत गई तो वह उसे घर पहुंचा देगी। टेबल पर माचिस की 37 तीलियां रखी हुई थी। हर प्लेयर एक बार में 5 से ज्यादा तीलियां नहीं ले सकता। जो आखिरी तीली लेगा वह जीतेगा। एस्मे पहले शुरू कर सकती है। अगर वह जीतना चाहती है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले उसे माचिस की एक तीली लेनी चाहिए, फिर 36 तीलियां बच गईं। उसके बाद उसे डायन के हर मूव का जवाब देते हुए ज्यादा से ज्यादा माचिस की तीलियां इस तरह लेनी चाहिए जिससे जब डायन की उठाई गई माचिस की तीनों का नंबर जोड़ा जाए तो वह 6 बैठे। अब आइए देखते हैं कि क्या आप लीग से हटकर सोच सकते हैं। मिस्टर एडम्स ने दरवाजा खोला, वह अंदर गए और अपनी पत्नी मिसेज एडम्स की ओर जोर से कहा, हाय हनी, मैं घर आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, हाय हनी, मैंने अवन में डिनर रखा है, क्या आप किचन की घड़ी पर देखकर मुझे बता सकते हैं कि टाइम क्या है? मिस्टर एडम्स ने तुरंत पुलिस को फोन किया और कहा कि उनकी पत्नी खतरे में है, क्या आप ये बता सकते हैं कि वह इसे कैसे समझ पाए? मिस्टर एडम्स देख नहीं सकते थे, उनकी पत्नी को बेशक यह बात पता होगी, अगर वह खतरे में नहीं होती तो वह उनसे कुछ ऐसा नहीं कहती जो वो शायद कर नहीं सकते थे, इसलिए वह खतरे के बारे में जान गए।